ये तो कौन है?
एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम संसद मार्ग पर। यहाँ काफ़ी ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं, ओल्ड एजेज हैं, जो सर्विस करते हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बहुत तादाद के अंदर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन करने का। सर आपका नाम? शंकर। शंकर बैरवा। शंकर बैरवा। शंकर बैरवा जी, आपके लिखा EPS 1995, इसका क्या मतलब है? ये अल्प पेंशन धारक बोल दे, कम पेंशन मिलती है हमको, उसका नाम तो उसका नाम है EPS 95 में केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाला था, उसके तहत उन्होंने सब फॉर्म भर के लिए हमारे से पेंशन के कि पेंशन चालू कर रहे। तो हमने फॉर्म भर के दिया, लेकिन उसकी माहिती मिली नहीं कि पेंशन क्या मिलेगी। तो हम अब मेरी अपॉइंटमेंट 1975 की है, 95 से कंट्रीब्यूशन कटा हमारा हर महीने 600 रुपये कटता था हर महीने। 35 साल की सर्विस हो गई मेरी। आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? ST डिपार्टमेंट में, राज्य परिवहन में। राज्य परिवहन में? हाँ, महाराष्ट्र की जी। तो हम 35 साल की सर्विस हो गई हमारी, लेकिन हमको उतना पैसा जमा करने के बाद भी हमको सिर्फ 1500-1600 रुपये पेंशन देते हैं वो लोग। और उसका हमारे पेंशन के स्कीम का, इसमें 186 डिपार्टमेंट है पूरे महामंडल के साथ में,
तो उनके सबके पैसे 3,00,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास जमा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसका ब्याज आता है कुछ तो भी 70 करोड़ रुपया, उसमें से हमको 5 करोड़ बांटते हैं वो लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ हाँ, तो वो 5 करोड़ बांटते हैं, तो वो 5 करोड़ में से हमको ये 1,500-1,400 रुपया ये इतना पेंशन देते हैं। 1,000 भी नहीं, 200-500-800 जूने लोगों को जो पहले रिटायर हो गए, हम लोग अभी 9वें रिटायर हो गए, तो हमको 1,600-1,700 रुपये पेंशन बैठती है। इसकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ऐसी है कि 3,500-3,500 रुपये पेंशन और उसके साथ डीए होना, हमको महंगाई भत्ता होना। और ये स्कीम 1995 में स्कीम लागू करे, उस टाइम से आज तक एक पैसा भी उन्होंने बढ़ाया नहीं अभी तक। हमारा 20 साल हो गए ये स्कीम को, 22 साल, 5 पैसे भी नहीं बढ़ाया। हमारी मांग ये है कि 3,500 रुपये पेंशन और उसके साथ में महंगाई भत्ता देना चाहिए। ऐसे हमारे को, हमारे दोनों को गुजारने के लिए 7,000-8,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके लिए हमें पूरे हिंदुस्तान से हम लोग आए हुए हैं सब,